हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। कौन हो तुम? मैं एमन हूँ। ओ, जन्नत की हसीन वादी, यहाँ कैसे? मैं देखना चाहती थी यहाँ कौन रहता है। देख लिया तो अब जाओ। मिलना भी चाहती थी? जी, मिलना भी चाहती हूँ। तो फिर आ जाओ अंदर। उस बड़ी शानदार हवेली से आपका ये छोटा सा कॉटेज मुझे मेरी अपनी दुनिया की याद दिलाता है। मैं अपनी दुनिया से टूटना नहीं चाहती। तो फिर क्यों छोड़ा ये अपनी दुनिया? आना पड़ा। पछता रही हो? आपसे मिलने के बाद नहीं। क्यों? आपसे मिलकर ये माहौल अजनबी नहीं लग रहा। आओ बैठो। माहौल तो इंसान अपना खुद बनाता है। आप आर्टिस्ट हैं? तुम भी तो हो। कभी कभी पेंटिंग किया करती थी। अब क्यों नहीं? रोजगार की तलाश में आई थी, पेंटिंग का सामान नहीं लाई। मेरे पास एक ईजल है, ले जाओ, रंग तो भी ले जाएंगे। आपने कैसे जाना कि मैं भी पेंटिंग करती हूँ? जिस अकीदत से तुम्हारी उंगलियों ने मेरी पेंटिंग को छुआ था। इतनी गहरी नजर वाला तो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। कौन है आप? भाई, नाम तो हमारा वकार है, पर लोग वकार जंग के नाम से पुकारते हैं। वकार जंग? अरे अब क्या हुआ, तुम तो हर बात पर चौंक जाती हो। मैं वकार जंग जैसे आर्टिस्ट के सामने खड़ी हूँ, ये चौंकाने वाली बात नहीं तो क्या है? तो बैठ जाओ। मैंने कई नुमाइशों में आपकी तस्वीरें देखी हैं। देखो लड़की, अगर तुम कोई अखबारी रिपोर्टर हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता, समझी? नहीं, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, बस एक सवाल करूंगी आपसे। सिर्फ एक सवाल? अच्छा, मैंने आपकी बहुत पेंटिंग्स देखी, लेकिन उनमें कहीं कोई औरत नजर नहीं आई। क्या आप औरत को इस काबिल नहीं समझते? मैं औरत को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाता, ये सच है। इमन बीबी, मैं तो सिर्फ एक ही औरत को जानता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ। कौन है वो? वो माँ भी है, बेटी भी, बहन, बीवी
और महबूबा भी। वो मर्द को हर रूप में कुछ देती है, उसे कभी कुछ लेती नहीं। आप भूल रहे हैं, वो मर्द से अपनी आन की हिफाजत मांगती है जो उसे कभी नहीं मिलती। क्या आपने कभी किसी की आन के लिए कुछ किया है? तुमने कहा था सिर्फ एक सवाल, चलो भागो यहां से। जी जी, मुझे माफ कीजिए, आदाब। सुनो। जी। इस बार तुम्हारा यहां आना मैंने माफ कर दिया है, आइंदा तुम्हारा ना आना माफ नहीं करूंगा। जी शुक्रिया, आदाब। सलामत रहो। अरे सुनो, एक बात तो तुम भूल ही गई। अमन बीबी, वकार नवाब के पास है। तूने अमन बीबी से कहा नहीं के उन्हें किसी का आना पसंद नहीं? मैं बोली थी सरकार। तो वो अपना खाली वक्त यूं गुजारती है। आइए। आप भूत बंगले से आ रही हैं? बुजुर्गों ने कहा पहले सलाम फिर कलाम। आप कहती हैं तो मैं झुककर साथ सलाम दिए देता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से देख लेने दीजिए कि आप सही सलामत तो है ना? क्यों, क्या हुआ? अरे आप बाकायदा बकार संग से मिलकर आ रही और फिर कह रही कि क्या हुआ? मैं फिर भी नहीं समझी। तो फिर खुदा आपसे समझे। अरे वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मैं अभी तो वहाँ से आ रही हूँ, उन्होंने तो बड़े प्यार से मुझसे बात की। अच्छा, और ये भी दे दिया, वाह, तो कर दिया ना उन पर भी जादू। अब वो भी वादी अमन में घूमते फिरते रहेंगे। क्यों, और कौन फिर रहा है मेरी फिराक में आवारा? है एक बेचारा दिल का मारा घुटारा। अच्छा शरारत बंद कीजिए और मुझे बताइए वो है कौन। ये हुस्न वालों में अपने फरिश्तारों का नाम पूछने का चलन कब से हो गया? नाम तो मैं जानती हूँ, अता पता बताइए। अता पता पूछ रही? मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? हाँ, नाम है बकार जंग, बड़ी सरकार के देवर हैं और मरहूम नवाब निसारुद्दौला के सौतेले भाई। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी हवेली में आते हुए नहीं देखा। ओहो, तो क्या करूँ, हाथ पांव बांध कर ले आऊं? शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। अरे भाई बताता हूँ, ये आर्टिस्ट बड़े सरफिरे होते हैं। अब देखो ना, बकार जंग ने जायदाद और जागीर को ठोकर मार दी और रंगों के होकर रह गए। गाफिल नवाब, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आया ख्याल शरीफ में। हाँ, जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उतना ही बड़ा सरफिरा होता है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को ले लीजिए। अच्छा बाय बाय। अरे सुनिए तो, और कभी कभी क्लब के बजाय लाइब्रेरी में भी तशरीफ ले जाया कीजिए। हाँ हाँ, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन आप चले तब ना। आइए। अरे साथ चलते हैं। आदाब। तस्लीम आपा बेगम। आइए तशरीफ लाइए। फारूक नवाब, तमीज दुल्हन और बच्चे सब खैरियत से तो हैं? सब ठीक ठाक है बेगम, दोनों बच्चों को मीजल्स निकले थे मगर अब खैरियत है। तुम तो नसीराबाद महीने भर के लिए गई थी, जल्दी ही लौट आए। हाँ, 10 दिन में वहां जीना मेरे लिए दोबारा हो गया था। एमन बीबी, ये हमारी छोटी बहन है तस्नीम पाशा। जी मैं तो देखते ही पहचान गई थी। तुमने कैसे पहचान लिया, क्या हमारे शक्ल पे लिखा हुआ है? जी नहीं, वो आप शाना से मिलती जुलती है ना, तो इसलिए। जी खाला सरकार, ये केक लें, बहुत अच्छे बने हुए। झूठ, तुमने कहाँ चखे? तुम तो खुदा को भी चक्कर देखो, तभी कहोगी वाकई में कोई खुदा है। तुम लोग अमीरों और शरीफों की जबान बोलती जा रही हो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने इस तरह की बात नहीं की होगी। अब तुम नसीराबाद से लौट आई हो, इनकी बागडोर संभाले रखो। हाँ पा बेगम, अब मेरा दिल वहां नहीं लगता। एक तो छोटी जगह है और क्लब तक कभी सहूलत नहीं है वहां, और दूसरे भाईजान पॉलिटिक्स में इस तरह कूद पड़े हैं कि हर वक्त घटिया लोगों में घिरे रहते हैं। आवाम की तारीफ हो रही है? बेशक, हाथी अगर गिर भी जाए तो घोड़े से ऊंचा ही रहता है।
भाईजान ने पुलटे का चक्कर जो चलाया है वही से कसर भी पूरी हो गई है। और हैरत की बात तो ये है आपा कि भाभी जान भी मुर्गियों की अंडे गिनती फिरती है। इसमें हर्जी क्या है, बदलते जमाने का तकाजा है पैसे को मुनाफे वाले कामों में लगाया जाए। आपको तो इसकी फिक्र होनी ही नहीं चाहिए, आपके पास तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, आज भी आप 10 लोगों को बिठाकर खिला सकती हैं। तस्नीम पाशा, अगर तुमने रेस और जुआ जुनून की हद तक ना खेला होता तो तुम्हारे मियाँ ने भी तुम्हारे और बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। अब्बा, आप तो बस मेरे शौक को लेकर बैठ गई हैं। इसी शौक के पीछे तुमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी। बशारत नवाब अभी तक बीए नहीं कर पाए और शाहना कभी वही हाल है। अला सरकार, अगर आप इजाजत दें तो मैं शाहना और एमन को ले जाकर गोलकुंडे का किला दिखा। जी नहीं, मैं काम छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। एमन बीबी, हमने तुम्हें अपनी मदद के लिए रखा है, कैदी बनाकर नहीं रखा। जब से आई हो कहीं बाहर नहीं गई, हो आओ बशारत नवाब के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खाला सरकार, थोड़े पैसे मिल जाते मुंशी जी से पॉकेट मनी के वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम लोग जा सकते हो। जी हाय अमन बीबी, मैंने वो जो किताबों की लिस्ट दी थी लौटते वक्त लाइब्रेरी से लेती आना। जी सरकार, आदाब। आदाब मुख्तार नवाब आए हैं सरकार। बुलाओ उन्हें। मैंने ही बुलाया उन्हें। तस्नीम पाशा, हमें तुम्हारा और शाहना का मुख्तारुद्दीन के साथ मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मगर आपा बेगम, वो तो आपका बहुत अदब करते हैं। अदब के पर्दे में उन्होंने हमारी जड़ें खोखली कर दी। उन्होंने? हाँ, तुम तो जानती हो बड़े नवाब साहब को जुए की लत उन्होंने ही लगाई थी। मगर आपा बेगम, जुआ अकेला तो नहीं खेला जाता, मोहरे दोनों तरफ से बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जीत एक ही की होती है। वो शतरंज अच्छा खेल लेती है। हमें डर है मुख्तारुद्दीन कहीं तुम्हें भी मोहरा बनाकर ना खेले। आपा बेगम, वो अब मुख्तार नवाब कहलाते हैं। संख्या को सोने की डिबिया में भी रखो तो संख्या ही रहती है। सरकार। आदाब। शमशाद जी, हम दफ्तर के कमरे में जा रहे हैं, गिलोरी वहीं खाएंगे। सरकार, गिलोरी का तलबगार तो ये खादिम भी है। मेहमान के लिए शरबत और गिलोरी भिजवाओ। शुक्रिया। लगता है बड़ी सरकार कुछ खफा हैं। आपा बेगम की जबान कुछ तीखी है। हम तो वो नश्तर हैं तस्नीम पाशा, जो जख्मों की जर्राही करें फिर भी नश्तर है। रगे जहां से कोई नजदीक होने ही नहीं देता। चलिए चलते। तो चलिए ना। शुक्र है आप आई तो सही। चलिए। लीजिए, चंद्रगुप्त का रथ हाजिर है आपके लिए। मोटरसाइकिल? क्यों, आपको मेरे साथ बाइक में जाने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं, ये तो नहीं, पर शाहना और मैं। शाहना ने कहा है कि वो हनोरों में बदरुओं से मिलने के लिए नहीं जाएगी, इसलिए मैंने कार लेना बेकार समझा।
अरे तो हम बस में चले जाते, ओ इससे आपकी नवाबी शान में फर्क पड़ना। बस सुबह एक ही बस आती है और अब तक तो वो चली गई। ओह अच्छा। यू नो इमा, एक बार मैं एक बस में जा रहा था, बहुत भीड़ थी, एक साहब आए और आकर मेरे दोनों पांव पर खड़े हो गए। जानबूझकर? जानबूझकर खड़ा होता तो उठा के पटक नहीं देता उसे, वो बड़ी धक्का फेल थी ना। फिर? काफी देर तक वो यूं ही खड़ा रहा, भीड़ छट गई, वो फिर भी नहीं हटे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने खाकसारी से उनसे पूछा, जनाब आप कब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे? झूठ, बिल्कुल झूठ, आपने आज तक बस के पायदान पर पांव तक नहीं रखा होगा। वो सब तो ठीक है, फिलहाल आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपका पांव मेरे पांव पर है, इसे कब हटाएंगे आप? सॉरी। हमारे बीच अगर ये रखी बास्केट ना होती तो बहुत अच्छा रहता। आगे देखिए, कहीं गिरा ना दे आप। तुम्हारे साथ तो मरने में भी मजा है। जी नहीं, अभी तो मैंने पहली तनख्वाह भी नहीं ली, मेरे मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। चलो फिलहाल माफ करे देते, मैंने भी मरने वाला सूट नहीं पहना है। वो देखो, वो रही कुली कुतुब शाह की मजार। लीजिए, पहुंचा दिया सही सलामत आपको कुतुब शाही गुम्बदों तक। आप जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे लगता है पहले कहीं सर्कस में काम करते होंगे। सर चकरा गया मेरा। खुदा का शुक्र है कुछ असर तो हुआ। क्या मतलब? मेहरबान कदरदान, ये हैं कुतुब शाही खानदान के बादशाहों के मकबरे। हाँ। जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे और इसी सरजमी की खाक से निकला दुनिया का सबसे कीमती हीरा 1 से 2 कैरेट का कोहनूर, जो यहाँ से निकलकर बादशाहों के ताज तक पहुँच गया। और दूसरा हीरा जो आपके सामने खड़ा है, खड़ा ही नहीं बल्कि आपकी बाहों में पड़ा है। आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे या इनके बारे में कुछ बताएंगे भी? हाँ क्यों नहीं, ये 7 गुंबद कहलाते हैं। हाँ। क्योंकि कुतुब शाही खानदान के बादशाहों की आखिरी आरामगाह है। क्या आपको इनके नाम भी पता है? मैडम मैं कुतुब शाही खानदान का आखिरी चश्मो चिरागी नहीं बल्कि शहर हैदराबाद की कुतुब मीनार भी हूँ। अच्छा, आप अपनी तारीफ छोड़िए और नाम बताइए इनके। ठीक है, ये है जमशेद कुतुब शाह का मकबरा। हाँ। वो है इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा। हाँ। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा। और उसके पास में वो जो थोड़ी सी खाली जगह देख रही ना आप। हाँ। वो है जनाब बशारत कुली कुतुब शाह के मकबरे के लिए। अच्छा। हाँ। और आपके लिए भी पास में थोड़ी सी जमीन रखी है। बच्चों को बाहर रखा है ताकि डिस्टर्ब ना करें। आपको बस मजाक ही सूझता है क्या? इसमें मजाक कैसा? हाँ आइए, चलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के गुंबद में चलते हैं। चलिए। उनके बदन को गुलाब जल से नहलाया गया होगा, फिर उनकी कफन पोशी के बाद उनके जनाजे को उनके मकबरे की ओर ले जाया गया होगा। आइए मकबरे की ओर चलते हैं। कफन पोशी करने के बाद फिर उनको उनके मजार में दफना दिया गया होगा। आप एक मौत का मजाक उड़ा रहे हैं? मौत का मजाक मैं उड़ा रहा हूं? मैं? और नहीं तो क्या? अरे मैडम, मौत का मजाक तो कुली कुतुब शाह ने उड़ाया।
जिसने अपने जीते जी अपनी मौत का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। ये मौत का मजाक नहीं तो क्या है? ये क्या हरकत है? मैं अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूं। अरे मेरी मौत कहां चली? सुन तो जरा। यह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की मजार। कितना सुकून मिलता है यहाँ आकर। यहाँ तो आवाज गूंजती है। हाँ यह है गुम्मत की सदा, जैसी कही वैसी सुनी। मैं आपसे जो कहूंगा वही बात लौट कर आएगी। आप कभी अकल की बात करेंगे तब ना। तो ठीक है, इनकी कही हुई एक बात सुनाता हूं, शायद आपके पल्ले पड़ जाए। पिया बाज प्याला पिया जाए नाम, पिया बाज प्याला पिया जाए नाम, पिया बाज एक दिल जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। में आया कुछ? महान गए, लेकिन अब एक शर्त मेरी भी है। शर्त? कैसी शर्त? वो जो चट्टान देख रहे हैं ना आप? हाँ। उस पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत गया। अच्छा चलो माना। आप अपने रास्ते से जाइए, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। अच्छा भाई। अरे सुनो तो। क्या? वो मामला तो तय हुआ नहीं। कैसा मामला? हार जीत के फैसले का। बशारत नवाब, ये इनाम इकराम आप जैसे रईसों को सचते हैं, मैं क्या दे पाऊंगी आपको? अरे खुदा ने तुम्हें भी तो मालामाल किया है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे भूल गई, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें गोलकुंडा का किला दिया था।
अच्छा एक काम करते हैं, जो जीतेगा उसे मांगने का हक देते हैं। मंजूर, लेकिन कोई नामुनासिब शर्त। ओहो, तुम लड़कियों के दिमाग में हमेशा गलत बातें क्यों आती हैं? हैं? अरे मैं एक शरीफ लड़का हूँ। अच्छा चलो वही मांगे लेता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में है। हर दिल को सुनाते हैं।